नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक्स कॉलेज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आज के लोनफ्लिक्स के एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए। लोनफ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको एब्रॉड एजुकेशन लोन्स के बारे में पूरी डिटेल्स देती है, और लोनफ्लिक्स वेब सीरीज़ वीमेक्स कॉलेज का इनिशिएटिव है। वीमेक्स कॉलर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरे लोन प्रोसेस में बिना किसी फीस या चार्जेस के मदद करती है। आज का ये हमारा लोनफ्लिक्स वेब सीरीज़ का 13th और लास्ट एपिसोड है। अगर फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिक्वेस्ट करेंगे हिंदी में, तो मैं पक्का उसको वीडियो उस पर वीडियो बनाऊंगी और उसको कवर करूंगी, बट अभी के लिए ये लास्ट है। तो ये लास्ट एपिसोड मैं आपसे कुछ हटके शेयर करके कंक्लूड करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत सारे एपिसोड में, आपने मेरे से सुना होगा कि पिछले 12 एपिसोड्स में मैंने बहुत बार बोला है कि आपको अपना लोन वीमेक्स कॉलेज से ही अप्लाई करना चाहिए। मैंने हर पॉइंट पे आपको बताया कि वीमेक्स कॉलेज से अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, बट इस वीडियो में मैं वो सब समराइज करके आपको एक वीडियो ऐसी दे रही हूँ जिसमें आपको पता चले कि वीमेक्स कॉलेज से फ़ायदा क्या है अप्लाई करने का। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि इस देश में दो तरीके के लेंडर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। एक तो हैं गवर्नमेंट बैंक्स, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये सब लेंडर्स ऐसे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनसे लोन ले रहे हैं या नहीं। अगर आप उनको जाके ये बोलेंगे भी ना कि नहीं नहीं आपकी सर्विस ख़राब है, मैं किसी दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, वो बोलेंगे ठीक है चले जाओ। कस्टमर सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप उनके कस्टमर हैं या नहीं दे डोंट केयर, क्योंकि उनको पता है कि उनका लोन प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है, कम प्रोसेसिंग फ़ी है, कम इंटरेस्ट रेट है, तो उनको पता है कि उनको कस्टमर मिल जाएंगे। और दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक्स और NBFCs, जो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल होते हैं। वो सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, आपके घर आके डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाते हैं, प्रोसेस भी फास्ट करते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, पर वो फ्रेंडलीनेस के पैसे आप दे रहे हैं। ये आप ऑप्शन आपको इतना महंगा पड़ता है, हज़ारों में नहीं लाखों में एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं ये प्राइवेट बैंक और NBFC ऑप्शन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन दोनों तरीके के लेंडर्स में वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी। वीमेक्स कॉलेज की शुरुआत एक स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म जैसे 2015 में हुई थी, और उसी साल वीमेक्स कॉलर्स को डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से फंडिंग भी मिली थी। वीमेक्स कॉलर्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए, और ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के बाद एक साल बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि स्कॉलरशिप्स ढूंढना तो एक मुश्किल काम था ही, बट एजुकेशन लोन मिलना भी कोई आसान नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे एजुकेशन लोन के प्रोसेस में मदद मांगी, तो तब हमें लगा कि हाँ इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो 2016 में हमने HDFC क्रेडिला के साथ काम करना शुरू किया। कुछ महीने उनके साथ काम करने के बाद हमें लगा कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब लास्ट मिनट में स्टूडेंट्स के लोन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ। कई बार लोन के प्रोसेस के बीच में चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, तो एकदम डिक्टेटरशिप जैसा काम हो रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। गवर्नमेंट बैंक्स तो अपने लोन प्रोडक्ट्स मार्केट करते ही नहीं थे, और अगर आप किसी तरीके गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच में पहुंच भी जाते हैं लोन मांगने के लिए, तो वो आपको किसी तरीके से भगा देते थे। तो तभी इन सब चीज़ों से जो हमने सीखा उस पर हमने वीमेक्स कॉलेज की नींव रखी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वीमेक्स कॉलेज से अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि वीमेक्स कॉलेज से क्यों अप्लाई करें, तो मैं बस उनको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप अपने घर के पास किसी गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच में जाइए और एजुकेशन लोन के बारे में इंक्वायर कीजिए, आप खुद ही जान जाएंगे। क्योंकि होता यूँ है कि जब आप किसी गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच में जाते हैं, पहले तो वो आपको आधा घंटा वेट कराते हैं किसी से बात करने के लिए। उसके बाद आप जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, वो बोलेंगे लोन के बारे में, वो एक मैडम उस डेस्क पर बैठती हैं, वो आज आई नहीं है, आप कल आके पूछ लीजिए। अगले दिन आप जाएंगे, अगेन वो मैडम किसी और से बात करने में बिजी होंगी, आप वेट करेंगे 15-20 मिनट आधा घंटा,
उसके बाद आप बात करने जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ बच्चे के लिए एब्रॉड एजुकेशन लोन चाहिए था, तो वो मैडम क्या करेंगे ना, आपको प्रोसेस, लोन के चार्जेस, लोन रीपे कब करना है कुछ नहीं बताएंगी, बस एक ड्रॉअर से एक चेकलिस्ट निकालेंगी और बोलेंगी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, उसके बाद बात करेंगे। वो चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आपको कोई नहीं समझाएगा। तो वीमेक स्कॉलर्स टीम जब आपको इतनी रिस्पेक्ट से घर बैठे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, प्रोसेस में गाइडेंस दे रही है बिना किसी फीस या चार्जेस के, तो डायरेक्ट जाना तो बेवकूफ़ी ही होगी ना। ध्यान से सुनिए, वीमेक स्कॉलर्स 4 साल से एजुकेशन लोन्स कर रहा है और अभी तक 7,000 से ज़्यादा एजुकेशन लोन सैंक्शंस हुए हैं। फिर भी हर दिन एक ना एक ऐसा केस, एक ना एक ऐसी फाइल ज़रूर होती है जिसमें कुछ नए ही तरीके की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का सलूशन टीम को नहीं पता होता है और वो मुझे एस्केलेट होती है ताकि मैं कोई सलूशन ढूंढ सकूं। आपको पता है कि SBI की तेलंगाना स्टेट में कितनी ब्रांचेज हैं? 1,000 से ऊपर। और लास्ट ईयर पूरे तेलंगाना स्टेट ने एब्रॉड एजुकेशन लोन्स में 900 फाइल्स की थी, यानी एवरेज एक ब्रांच में एक से भी कम। और SBI की सबसे बड़ी ब्रांच जिसने सबसे ज़्यादा एब्रॉड एजुकेशन लोन्स किए थे वो मुंबई की एक ब्रांच है जिसने 35 फाइल्स की थी लास्ट ईयर। और वीमेक स्कॉलर्स में ऑन एन एवरेज हर फिनेंशियल ऑफिसर एक साल में 250 सैंक्शंस करता है। 250 सैंक्शंस करने के लिए कम से कम 500 अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आई होंगी जिसमें से 250 प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी और तभी ये फाइल सैंक्शन हुई हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि एक ब्रांच जो साल में एक फाइल कर रही है उसको अगर कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व कैसे करनी है, वो कैसे पता होगा? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी फाइल्स के बाद भी हमें नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे पता होगा जो एक साल में एक करते हैं। तभी तो वीमेक स्कॉलर्स के आप कुछ भी रिव्यूज़ देखिए ऑनलाइन, एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, नॉलेजेबल। ये नॉलेज इतनी सारी फाइल्स करने से ही बिल्डअप हुई है और एक बैंक की नहीं 10 अलग अलग बैंकों की नॉलेज है हमें। तीसरा है प्रोसेसिंग टाइम। आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, अगर आप डायरेक्टली बैंक में जाके अप्लाई करते हैं तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पे चीज़ें मूव होती ही नहीं है। आप एक इंसान को फाइल देके आएंगे, जब तक आप वापस जाकर उस पर फॉलोअप नहीं करेंगे वो फाइल वहीं की वहीं होगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं बट करते हैं। तभी तो मिनिमम 2 महीने लेते हैं एजुकेशन लोन सैंक्शन करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का टाइम के अलावा, जबकि अगर आप वीमेक स्कॉलर से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन वही बैंक आपको उस टाइम में सैंक्शन दे देता है आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन का टाइम छोड़ के, क्योंकि वीमेक स्कॉलर्स को हर स्टेज पे एस्केलेशन की परमिशन दी होती है बैंक ने। मतलब अगर आपकी फाइल ब्रांच में अटकती है या सैंक्शनिंग ऑफिस में अटकती है कहीं पे भी, हम इमीडिएटली ऐसे ही ब्लॉक क्लियर करा सकते हैं, तभी तो प्रोसेस फास्टर होता है। अभी कोविड के टाइम में 10 दिन तक एवरेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं बट अदरवाइज 15 से 20 दिन एवरेज था। ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है बट लगा लीजिए अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंगलोर, और आपकी कोलेटरल प्रॉपर्टी एक दूसरी सिटी में है, फॉर एग्जांपल इंदौर, तो आप बैंगलोर की किसी भी ब्रांच में जाइए और उनको बोलिए एजुकेशन लोन लेना है एक कोलेटरल पे जो 1,000 किलोमीटर दूर इंदौर में है। वो ब्रांच आपको इमीडिएटली भगा देगी, बोलेगी कि नहीं नहीं लोन यहाँ पे नहीं होगा, आप इंदौर जाके ही लोन लीजिए। अब क्या होगा, आप इंदौर जाएंगे, वो ब्रांच क्या बोलेगी, नहीं नहीं आप तो बैंगलोर में रहते हैं, बाद में अगर लोन में कुछ प्रॉब्लम आई, EMI में कुछ डिले हुआ तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए यहाँ से लोन नहीं होगा, आप लोन वापस बैंगलोर से ही लीजिए। अब आप क्या सोचेंगे, ये क्या नौटंकी है? तो आप सोचेंगे इट्स बेटर कि आप प्राइवेट बैंक या NBFC से ही लोन ले लें, लाखों का लॉस तो हो रहा है बट एटलीस्ट लोन तो मिल रहा है, घुमा तो नहीं रहे हैं। आप महंगा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी तो NBFCs और प्राइवेट बैंक्स की दुकान चल रही है। वीमेक स्कॉलर्स में हम डेली बेसिस पे ऐसे काफ़ी मल्टी सिटी केसेस हैंडल करते हैं, क्योंकि हम डिजिटली पैन इंडिया काम करते हैं तो हम बैंगलोर वाली ब्रांच को भी जानते हैं और इंदौर वाली ब्रांच को भी जानते हैं। तभी हमारे लिए बहुत ईजी होता है कि इंदौर में प्रॉपर्टी का लीगल चेक वगैरह करा के बैंगलोर में लोन प्रोसेस कराना। आप मल्टी सिटी तो छोड़िए, हम मल्टी कंट्री केसेस भी करा देते हैं। आप UK में सेटल्ड हैं, आपके फादर दुबई में हैं और आपका लोन इंडिया में सैंक्शन करा देते हैं बिना आप लोग वापस आए।
फाइनली बड़े ही घटिया इश्यूज आते हैं जब आप ब्रांच में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. समटाइम्स वो प्रोडक्ट की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बोलते हैं इंटरेस्ट 11% है. कई बार कुछ प्रॉमिस करते हैं आपको फिर बाद में पीछे हट जाते हैं. और अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू आया तो उनकी कोशिश कभी ये नहीं होती कि दूसरे लॉयर से ट्राई करते हैं, वो इमीडिएटली रिजेक्ट करने के मोड में होते हैं. जबकि वीमेक्स कॉलर्स इसीलिए तो एग्जिस्ट करता है ना, ताकि आपके लोन में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उसको सॉल्व कैसे करना है. रिजेक्ट करना मोटिव नहीं होता. तो बस यही सब रीजंस हैं कि क्यों आपको अपने लोन के लिए वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करना चाहिए जब आप गवर्नमेंट बैंक के वो देख रहे हैं तो. और दूसरा मेन रीज़न जब लोग वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं. यानी अगर आपका ऑप्शन 1 फेल होता है तो ऑप्शन 2 रेडी होता है, ताकि फाइनली कहीं ना कहीं से तो लोन मिल ही जाए ना. अगर आपका ऑप्शन, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं ऑप्शन 1 फेल होता है तो आपको सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट से एकदम शुरू करना पड़ता है. जबकि वीमेक्स कॉलर्स में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो अगर एक में फेल होता है तो वही एप्लीकेशन दूसरे बैंक में डाल दी जाती है. और अगर आपके कोलेट्रल में इशू आता है तो कोलेट्रल वाला ऑप्शन फेल होता है तो नॉन कोलेट्रल ऑप्शन प्राइवेट बैंक और NBFCs का रेडी होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, गवर्नमेंट बैंक्स में तो इशू है, वो टफ हैं, तो वीमेक्स कॉलर्स से जाने के फ़ायदे हैं, बट प्राइवेट बैंक और NBFCs को तो आप इजीली खुद से ही अप्रोच कर सकते हैं, तो वीमेक्स कॉलर से क्यों अप्लाई करना है. मैंने आपको स्टार्ट में क्रेडिला स्टोरी तो बताई ही थी कि वो कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ये प्राइवेट लेंडर्स. अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करने के क्या फ़ायदे होते हैं जब आप प्राइवेट बैंक और NBFC को देख रहे हैं तो. पहला है ट्रस्ट. स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन प्राइवेट बैंक्स और NBFCs को डायरेक्टली इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बट वो फिर भी वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी ऑप्शन मार्केट में परफेक्ट नहीं होता. हर ऑप्शन की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, बट अगर आप डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन के पास जाएंगे तो वो हमेशा बोलेंगे भाई मैं बेस्ट हूँ. बट आपको कोई ऐसा चाहिए जो ट्रांसपेरेंटली आपको हर ऑप्शन की पिक्चर दे कि हाँ भाई इसकी ये अच्छाई है, ये बुराई है, ताकि आप चूज़ कर पाएँ कि हाँ इस ये वाली बुराई ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ. तो वो ट्रांसपेरेंट पिक्चर आपको तभी मिलेगी जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर आएंगे जो आपको हर ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी देगी. और दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को भरोसा होता है कि हाँ, अगर वीमेक्स कॉलर्स ने कोई कमिटमेंट दे दी तो आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हैं. और लास्ट मिनट में अगर कुछ बाय चांस कुछ गलत हो भी जाता है तो वीमेक्स कॉलर्स आएगा उनकी मदद करने के लिए. एक एग्जांपल देती हूँ. एक स्टूडेंट है अभिनया, जिसने 2 साल पहले वीमेक्स कॉलर्स के थ्रू एक NBFC से लोन लिया था. तो अभिनया की प्रोफाइल पहले, मतलब उसके को एप्लीकेंट की प्रोफाइल काफ़ी वीक थी, तो उसको कहीं से भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल रहा था. तो हमने काफ़ी जगह ट्राई किया NBFCs में, लोन नहीं हो पा रहा था. तो अभिनया के पास एक प्रॉपर्टी थी जिसमें कुछ लीगल इश्यूज थे, तो वो गवर्नमेंट बैंक में एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टी नहीं थी. तो हमने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी रख के हमने बोला कि अभिनया एक NBFC से हम कोलेट्रलाइज लोन लेंगे. तो उसका लोन अप्रूव हो गया एक NBFC से, और अभिनया ने 30,000 लगभग प्रोसेसिंग फ़ी भी दे दी. NBFCs में एक पॉलिसी होती है कि वो लोन सैंक्शन करने के बाद प्रॉपर्टी का लीगल चेक करते हैं. तो इस NBFC ने जब वो सैंक्शन लेटर देने के बाद प्रॉपर्टी का लीगल चेक किया तो उन्होंने वो लोन रिजेक्ट कर दिया. वो तो क्विकली लास्ट मिनट में हमने अभिनया को किसी दूसरी NBFC से क्विकली लोन करा दिया, ताकि उसका चांस मिस ना हो जाए उस साल जाने का. तो वो तो हो गया, उसने उसको वीज़ा भी मिल गया. बट अब जब अभिनय ये पहली वाली NBFC के पास आई अपनी प्रोसेसिंग फी वापस मांगने के लिए, तो NBFCs ने क्लियरली मना कर दिया. तो उसने 2-3 बार अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है प्रोसेसिंग फ़ी वापस करने की. तो जब ये बात अभिनय ने हमें बताई, हमने क्विकली वो मैटर उस NBFC के CEO तक पहुँचाया, और फाइनली सारी की सारी प्रोसेसिंग फ़ी, जस्ट वो लीगल चार्जेस कट करके बाकी के सारे पैसे उसको वापस दे दिए गए. तो ये ऐसा इशू बहुत कॉमन है. अभी कोविड सिचुएशन में हमने ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स कितने स्टूडेंट्स की सॉल्व कराई हैं. तो हम लिटरली लड़ते हैं अपने हर स्टूडेंट के लिए. दूसरा एक बेसिक बेनिफिट वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करने का ये है कि आपको 0.5% कम इंटरेस्ट रेट लगता है NBFC और प्राइवेट बैंक के यूजुअल इंटरेस्ट रेट के कंपेरेटिवली. और जो उसके बाद भी वो जो लोग आपको फाइनल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उस पर भी हम नेगोशिएट करते हैं. कुछ कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने नेगोशिएट करके 2% तक इंटरेस्ट रेट कम कराया है. सी जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि मेरी फिनेंशियल और एकेडमिक प्रोफाइल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट एक जेन्यून है.
जबकि वीमेक्स कॉलर्स में तो हम डेली बेसिस पे आप जैसी प्रोफाइल्स देख रहे हैं और सैंक्शन करा रहे हैं, तो हमें पता होता है कि आपके लिए जेन्युइन इंटरेस्ट रेट कितना है, तो हम उनसे बार्गेन करते हैं जब तक वो आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम ना कर दें जो हमें लगता है कि ये जेन्युइन है। फाइनली हम साल भर इन NBFCs और प्राइवेट बैंक्स के साथ काफ़ी कैंपेन्स करते हैं जिसमें आपको वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करने में प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट रेट पे ऑटोमेटिक रिडक्शंस मिलती हैं। तो वीमेक्स कॉलर से अप्लाई करने पे आपका लोन डायरेक्ट जाने से तो सस्ता ही होगा, उसकी गारंटी है। किसी भी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, NBFC, किसी में भी अगर आप वीमेक्स कॉलर्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 3,000 रुपये तक का कैशबैक मिलता है जो डायरेक्ट जाने पे नहीं मिलता। अब बस इतना ही। अगर आप वीमेक्स कॉलर से अपना लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके कॉल बैक रिक्वेस्ट करें। आपको मैं बता दूं, वीमेक्स कॉलर्स की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं और वीमेक्स कॉलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ IT से फंडेड है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत हो। अगर आपकी वजह से किसी को एब्रॉड एजुकेशन लोन की फंडिंग में मदद होगी तो आपको दुआएँ ही मिलेंगी। अभी के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस।